पांच गियर की गाड़ी, एक रिवर्स और चार आगे की। अब ये देख सकते हैं गियर पड़ा है तो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में बता दें, आज हम आप लोगों को चार तरीके से गियर न्यूट्रल करना बताएंगे। तो लेफ्ट राइट जाने लगे, अगर कोई गियर पड़ा होगा जैसे हम रिवर्स लगा दिए बाइक, ठीक है, अब ये मूव नहीं करेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है केके ड्राइविंग स्कूल चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि महिंद्रा के गियर न्यूट्रल करना सिखाओ, गियर न्यूट्रल करना सिखाओ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। चलिए आज इस वीडियो में सिर्फ जानेंगे कि गियर न्यूट्रल करना, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं बताएंगे। बाकी ड्राइविंग की वीडियो पड़ी है, इसमें गियर न्यूट्रल करना आप लोगों को बताएंगे। देख सकते हैं पांच गियर की गाड़ी, एक रिवर्स और चार आगे की। अब ये देख सकते हैं गियर पड़ा है तो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में बता दें, आज हम आप लोगों को चार तरीके से गियर न्यूट्रल करना बताएंगे। तो इसको क्लच दबाना है, इसको पीछे कर देंगे तो गियर पड़ जाएगा, ठीक है, इसको आगे कर देंगे ये न्यूट्रल हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया इसको न्यूट्रल करने का, ये तो न्यूट्रल हो गया, और दूसरा तरीका हो गया ये। अब इस समय गियर पड़ा है, ठीक है, देख सकते हैं, और इसको न्यूट्रल करना है, क्लच दबाना है थोड़ा सा, फर्स्ट पड़ा है तो आगे बढ़ाना है, अब ये मूव करने लगेगा, देख सकते हैं लेफ्ट राइट जाने लगे। अगर कोई गियर पड़ा होगा जैसे हम रिवर्स लगा दिए बाइक, ठीक है, अब ये मूव नहीं करेगा, न्यूट्रल नहीं आनी। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये इस गियर का फर्स्ट तरीका, देख सकते हैं अब नहीं मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे लाएंगे ये न्यूट्रल हो गया तो लेफ्ट राइट जाएगा, ठीक है, और इसको दूसरा डाल देंगे तब भी मूव नहीं करेगा, ठीक है, और इसको चौथा डाल देंगे तब भी नहीं, और यहाँ पे ला के इसको हम तीसरा डाल लेंगे यहाँ पे तब भी नहीं, ठीक है, हल्का बिल्कुल करेगा, ठीक है, और इसको न्यूट्रल रखेंगे तो इतना। एक ये तरीका हो गया क्लच दबा के न्यूट्रल, ठीक है, और दूसरा तरीका गियर पड़ा है, ठीक है, कोई भी गियर पड़ा हो, और ये एक तरीका ये होगा पीटीओ को छोड़ के, एक तरीका ये होगा इस गियर में, ठीक है, ये एक तरीका, ये इस तरीके से न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है। गियर पड़ा होगा तो मूव नहीं करेगा, एक ये तरीका होगा, बाकी गियर पड़ा है, और दूसरा तरीका ये, इसको दबा के आप ब्रेक लगा सकते हैं, दूसरा तरीका ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा तरीका होगा। और तीसरा तरीका ये भी गियर पड़ा है या न्यूट्रल है इससे कोई मतलब नहीं, गियर पड़ा हो कोई भी, ये जो हमारा होता है गियर, ये लो और हाई, ठीक है, तो ये हाई हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये लो हो गया, तो इसको बीच में कर देंगे, देख सकते हैं आगे ले जाएं और इसको बीच में कर दें, एक बार पीछे जाएगा तो पीछे ले जाएं, इसको बीच में कर दें एक बार आगे ना जाएं, इसको जब बीच में ले जाएंगे तो ये अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, इसको जब बीच में लाएंगे तो ये न्यूट्रल हो गया। तीन तरीके हो गए, एक सबसे पहला देखिए क्लच दबा के आप न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इस गियर से न्यूट्रल कर सकते हैं बीच में ला के, कोई भी गियर पड़ा हो, कोई भी पीटी वगैरह कोई भी पड़ा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये गियर हमारा न्यूट्रल है, ये वाला लो हाई वाला, तो इससे सारा गाड़ी समझ लो न्यूट्रल है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, यहाँ गियर पड़ा हो अगला या पिछला कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे न्यूट्रल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, बाय, टेक केयर, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।